तो दोस्तों आज हम सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट क्रिएट करना। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक बिगनर हो और आप गूगल एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हो तो आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज गूगल मर्चेंडाइज स्टोर के बेस के ऊपर आपको ये अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप ये अकाउंट क्रिएट करते हो तो जैसे जैसे आप ये गूगल एनालिटिक्स का कोर्स सीखोगे तो उसमें आपको डेमो अकाउंट में फिगर्स आते हैं, डाटा आता है, ग्राफ्स आते हैं, वो मैट्रिक्स आता है जो कि आपके न्यू अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई एक्टिविटीज नहीं करी, उसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो इसलिए ये डेमो अकाउंट आपको गूगल एनालिटिक्स सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं हितेश गुप्ता आप लोगों के लिए गूगल एनालिटिक्स की ये सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आप GA4 के बारे में सीखोगे प्रैक्टिकली। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 के अराउंड वीडियोस हैं और आने वाले एक साल में लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले सिखाया था कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, मगर दोस्तों मैं आपको आज सिखा रहा हूं कि आप गूगल एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नहीं है तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, चीज़ों को व्यू करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। और अगर आप एक बिगनर हो, आपने वेबसाइट में एनालिटिक कोड लगा भी लिया है बट उस पर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, इतना डाटा नहीं है, तो आप चीज़ों को डिटेल्ड में इनडेप्थ नहीं कर पाओगे। तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए कि आप अच्छे से सीख पाओ, रियलिस्टिक चीज़ों को देख पाओ, इसलिए गूगल ने गूगल एनालिटिक डेमो अकाउंट की फैसिलिटी दी है जो इनिशियल लेवल पर, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब आप अपना जो भी आपने गूगल एनालिटिक अकाउंट क्रिएट करा है, जिस आईडी से क्रिएट करा है उसको आप ओपन करके यहां पर रख लीजिएगा एक टैब में, और यहां पर आप डालिएगा गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। जब आप गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट डालोगे तो इस ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देना, तो यहां पर आपको एक्सेस टू डेमो अकाउंट, यहां आप जो देख रहे हो ना गूगल एनालिटिक्स 4 मर्चेंडाइज स्टोर, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स 4 फ्लड, ये सब क्या है कि इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब आपको क्या करना है, जब एक्सेस टू डेमो अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे, क्योंकि मैं तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी जिससे आपने अकाउंट क्रिएट करा था वो उसके संग सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपके पास एक इस तरीके से एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा जहां पर ये सारा डाटा आ रहा है जो कि गूगल मर्चेंडाइज स्टोर से आ रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, बस एक क्लिक में आपका एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाता है और यहां पर आपको दिखेगा कि डेमो अकाउंट, ठीक है, यहां क्लिक करते हैं। अब यहां पर आप देखो, जब आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज में GA फ्लडिट है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है। अब ये क्या है, ठीक है, मर्चेंडाइज स्टोर है कि गूगल की खुद की एक वेबसाइट है। आप यहां पर डालो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, जहां पर गूगल का पूरा अपेरल्स और अदर एसेसरीज, बहुत सारा एक मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट स्टोर है जहां पर लोग बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे मैं बाय करना चाहता हूँ मेंस टी शर्ट, जैकेट, कुछ भी बाय करना चाहता हूँ, तो ये जो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है आप यहां पर देख रहे हो, इसका जो डाटा है वो इधर डेमो अकाउंट में शो हो रहा है। और अगर हम फ्लडिट की बात करें, क्योंकि GA4 जो है वो किससे रिलेटेड है, GA4 में ऐप और वेबसाइट दोनों का आप देख सकते हो। अब आपके पास ऐप नहीं है बट आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, या आप इन फ्यूचर ऐप बनाओगे तो आप उसको कैसे, आप उसका डाटा वगैरह देखोगे, कैसे सारी चीज़ होंगी वो आप देखना चाहते हो, तो गूगल का ऐप भी है फ्लडिट के नाम से, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप डालो गूगल प्ले स्टोर, और जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और यहां पर आप सर्च करोगे फ्लडिट,
तो यहां पर गूगल की वो ऐप आएगी फ्लडेड, ये वो ऐप है जिसका जो डाटा है यहां पर आप जब यहां क्लिक करोगे फ्लडेड पे यहां पर आपको शो करेगा गूगल के डेमो अकाउंट में। तो यहां पर देखो डाटा चेंज हो चुका है, ये ऐप का जो गूगल की ऐप है उसका डाटा आपको यहां पर शो हो रहा है गूगल एनालिटिक्स में। और अगर आप मर्चेंडाइज स्टोर पे करोगे, एक वेब स्टोर पे करोगे, वेबसाइट पे करोगे, तो ये वेबसाइट का डाटा आपको शो हो रहा है। अब क्योंकि इस सीरीज में जो हम आपको गूगल एनालिटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज सिखा रहे हैं, तो इस वजह से हम इस डेमो अकाउंट का यूज करेंगे ताकि हम आपको सारे फिगर्स और डाटा कैसे दिखता है, कैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आए, इसलिए हम भी एक डेमो अकाउंट का यूज करेंगे। मगर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे गोल क्रिएट करना और बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल डेमो अकाउंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम गूगल की साइट में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो हम तो वो भी आपको सिखाएंगे, उसके लिए हम अपनी खुद की वेबसाइट मार्केटिंग फंडा, हमारा खुद का रियलिस्टिक जो अकाउंट है उस पर आपको चीजें करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों तरीके से सिखाएंगे। तो दोस्तों आप अगर अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नहीं बनाया है तो तुरंत बना लीजिए अगर सीखना है तो, और एक डेमो अकाउंट भी बना लीजिए, फिर आप इजीली इस सीरीज को फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप आप पूरा का पूरा गूगल एनालिटिक्स सीखें, क्योंकि ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ट्रैकिंग में, एनालिसिस में, ग्रोथ में, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर क्रिएट कर लीजिएगा और पूरी सीरीज देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई नए कोर्स के लिए आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, so that you will get all the updates. Thank you for watching Marketing Fundas.